विधानसभा भगवानपुरा में राजीव गांधी मैदान पर जन आक्रोश यात्रा और आम सभा आयोजित की गई, जिसमें आसपास के ग्रामों से बड़ी तादाद में ग्रामीण जन और कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। जन आक्रोश यात्रा का ढोल मांदल के साथ स्वागत किया गया। सबसे पहले युवा कांग्रेस नेता डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, तेज बारिश के चलते किसानों की फसलें तबाह हुई है। कोई भी सरकार का नुमाइंदा किसानों की फसलें देखने तक नहीं आया। भाजपा के राज में किसी की भी कोई पूछ परख नहीं है। गरीब जनता और आदिवासियों का शोषण कर रही है सरकार। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉक्टर गोविंद मुजालदा ने कहा कि भाजपा के राज में जनता को महंगाई की मार झेलना पड़ रही है। किसान सहित सभी वर्ग परेशान हैं। अब की बार कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही। वहीं कांग्रेस के 11 वचन बताएं। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। ये कांग्रेस पार्टी कर रही है और कांग्रेस पार्टी जो कहती है आप सब जानते हैं, वो करके दिखाती है। 2018 में जब हमारे नेता राहुल गांधी जी मंदसौर में किया था और कहा था कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो हर किसान का कर्जा माफ करेंगे, और सरकार बनी और आप सब जानते हैं कर्जा माफ हुआ। रैली बहुत जबरदस्त चल रही है। पूरी जनता जनार्दन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उन्होंने 18 साल में पूरे किसानों के, मजदूरों के, नौजवान महिलाओं का कोई काम नहीं किया। आम लोगों में आक्रोश है, इसलिए हमने इसका नाम जन या आक्रोश यात्रा रखी है। जन आक्रोश यात्रा रखी है और उससे बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है। निश्चित ही हमारी सरकार बनेगी और जो जो हम वादे करें वो हम वादे पूरे करेंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आप हम सब जानते हैं कि जनता परेशान। 18.5 साल की बीजेपी की सरकार हो चुकी है, केवल माइक पे बोलती है और काम कुछ नहीं करती। आज हमारा किसान, पहले पानी कम गिरा उसमें परेशान थे, सोयाबीन की और आधी फसलें खराब हुई, और अभी 3 दिन पहले अतिवृष्टि हुई जिससे हमारी कपास की फसल, मक्का की फसल, सोयाबीन की फसल, मिर्ची की फसल पूरी तरह से किसानों की नुकसान हो गई। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी किसी समय अपने स्टेटमेंट में कह रहे थे कि प्रत्येक किसान को 40,000 रुपये हेक्टर सोयाबीन का मुआवजा मिलना चाहिए। आज अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है उसी के भाव से हमारे किसानों को मुआवजा दे दें। आगे आए कलेक्टरों को निर्देश दें, सर्वे करने वाला आज कोई नहीं है। अभी हमारे किसान, अभी आपने देखा, खुद अपने खेत की फोटो खींच के आवेदन लेके तहसीलदार पहुंचे। पटवारी हड़ताल पे हैं, पंचायत सचिव पंचायत का काम करने में व्यस्त हैं। ये फालतू काम कोई नहीं कर रहा, वो अपने आप को ये काम फालतू समझ, लेकिन किसान पर ये सब चीज़ों को इकट्ठा करके जो मध्य प्रदेश में जो जनता के बीच में जो जन आक्रोश तैयार हुआ, आदिवासियों पर अत्याचार, आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार और अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जनता परेशान है। महंगाई को देख लो, आज महंगाई की बात आई, आज 450 रुपये में गैस टंकी देने के मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं। अभी तक आदेश आए कि नहीं आए अभी मुझे नहीं मालूम, पर आज क्यों 450 में देने को तैयार हो, जबकि कांग्रेस पार्टी ने पहले अपने वचन पत्र में 500 रुपये में प्रत्येक सिलेंडरधारी को गैस टंकी देंगे ये घोषणा कर दी। उसके चलते अब इनको 450 दिया, पहले क्यों नहीं दिया? 18.5 साल की सरकार में पहले ही देना था। ये झूठी घोषणा है, क्योंकि अभी जो चुनाव आ गया, चुनाव में लालच दो और वोट लो और फिर 5 साल कौन देखे, क्योंकि पिछले 18 साल में उन्होंने यही किया। आज जनता समझ गई है कि इनके हर झूठ का जवाब देने को तैयार है और आने वाले समय में पूरी तरह से ताकत से इनका जवाब, इनके झूठ का जवाब देने को तैयार है। और आज जो जन समर्थन मिल रहा है, ये 18.5 साल के इनके जो कार्यकाल है, जो काम नहीं हुआ, लोग परेशान हैं, झूठे वायदे हैं, उससे परेशान होकर आज जनता को, जनता के मन में जो आक्रोश है वो आज आपने देखा, जो जन सैलाब हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।